इस वक्त नवांशहर की राजनीति बड़ी करवट ले रही है। साडे नाल अंगद सिंह जी मौजूद आ। इस वक्त जो दृश्य लोगों का उत्साह दिस रहा आ वो राजनीति नवांशहर की बदल सकते हैं। अंगद जी टिकट कांग्रेस वालों कट्टी गई आ पर लोगों का समर्थन जिहड़ा वो नवें शहर थोड़े नाल दिस रहा। कितना दे हालात होणगे 2022 दी लगी? देखो हालात जो भी होंगे नवांशहर जित के निकलूगा जो भी हालात हो गए जी। बाकी अपनी जिहड़ी लड़ाई आ आपां सच्चाई ते लड़ रहे आ। आपां कितें भी कोई गलत नहीं आ ना आपां कोई झूठे आ। 5 साल लोगों का काम किया इलाके की डिवेलपमेंट कराई आ और ये कोई आजाद लड़न का फैसला मेरा नहीं है। कोई गल नहीं कांग्रेस पार्टी ने टिकट नहीं दी मैनू मेरे इलाके के लोगों ने टिकट दी आ और मैं उन्होंने सिर पर यह इलैक्शन लड़ूंगा। ये जी इलैक्शन आ ये कोई अंगद की इलैक्शन नहीं नवांशहर की इलैक्शन। अंगद जी आप गल करते हैं थोड़े दादा जी दिलबाग सिंह असी निजी तौर पर जानते हैं बड़ा लंबा समा कांग्रेस के उन्होंने सेवा भी की आ कांग्रेस के जन्या मन्या चेहरा सी की कारण होए कि दिलबाग सिंह के परिवार नाल ये धक्का होया? देखो ये बारे मैं की कह सकता जिन्होंने किया धक्का उन्होंने पूछा जाए पर जो समझ आती है कि मेरे निजी परिवारिक जीवन को मुख रखते हुए जड़ा ये फैसला किया गया जिहड़ी कि एक मनभागी गल आ। जबकि कोई भी जिहड़ा सियासी फैसला वह परफॉर्मेंस बेस होना चाहिए ना कि परसनल लाइफ में बेस रखते हुए। सो मैं समझता कि दुख वाली गल जिहड़े उम्मीदवार को टिकट तुहाडी कट के दी गई है पता लगा कि वह पहला कैप्टन अमरिंदर सिंह की टिकट लैके लोगों में विच रहे सन ये किड़ा इंसाफ होया? नवांशहर जिन्हें भी लोग इलैक्शन लड़ रहे सारी कितने ना कितों आए आ जिहड़े आम आदमी पार्टी के कैंडीडेट आ पहला कांग्रेस सी साल पहला कमेटी के इलैक्शन हुई तो अकाली दल नाल हो गए फिर आम आदमी चल गए जिहड़े कांग्रेस के उम्मीदवार आ ये कैप्टन साहब ना पंजाब लोग कांग्रेस से हुण दुबारा टिकट देख के इत्थे आ गए। अज हुणे मैनूं खबर आई आ कि BSP वालों पहला टिकट नछत्तरपाल नूं दित्ती फिर हुण मेरे ख्याल हसैनपुरी जी नूं दे रहे आ। हसैनपुरी जी का भी पिछले लंबे समय तो जिहड़ा पहला BSP का रौला पै रहा सी फिर आम आदमी का पै रहा सी फिर किसानों वालों पै रहा सी फिर कांग्रेस वालों पै रहा सी। सो साडा तां कोई नहीं अपना तां जे कांग्रेस ने नहीं दित्ती तां लोकां ने फैसला करता क्योंकि फैसला तां लोकां दा टिकट ने फैसला नहीं करना फैसला लोगों ने करना और मैनू नवांशहर की जनता से पूरा यकीन है। नवांशहर की जनता लिए अगला विजन तुहाडा की है? मेरा एको विजन आ कि मेरी पहली टर्म से बहुती गल्लां मैनू नहीं पता सीगियां किवें काम कराई दी क्योंकि नवा एक्सपीरियंस सीगा। मैं सिर्फ इन्ना कह सकदा कि जिन्हें भी काम है पिछले 5 सालों च कराए इनू घट्टो घट 4-5 गुणा होर कराऊंगा उस रफ्तार ना कराऊंगा यही मेरी विजन। अंतम सवाल चरणजीत सिंह चन्नी की तुसीं गल कीती मान लो भी चरणजीत सिंह चन्नी दोबारा कांग्रेस के CM बन लगते हैं तो की तुसीं उन्हां दे चंगे 111 दिन के काम में देख के उन्हां दा साथ दे सकते? देखो चन्नी साहब ने 5 महीने बहुत अच्छे काम किए मैं उन्हां दी दिलों इज्जत करदा और मेरा ये मन दा सीगा कि कांग्रेस वालों ये सीट जित के मैं उन्हां दी झोली च पावां पर हुण क्योंकि कांग्रेस वालों मैनूं ये जिम्मेवारी नहीं दित्ती गई लोगों ने मैनूं ये जिम्मेवारी दित्ती इस करके नवांशहर के लोग ही इस गल का फैसला करूंगे कि उन्होंने आने वाले समय च कि सरकार बना। थैंक यू बहुत। ये सन अंगद सिंह जी सैणी जिन्होंने ये कह दिता कि आने वाले समय के विच इस टिकट तो जित के वो जे विधानसभा जाते हैं तो किस की मदद करनी आ यह भी नवांशहर के लोग नवांशहर की जनता उन्होंने पार्टी वर्कर तय करनगे। देखते हैं कि नवांशहर की राजनीति इस वक्त बड़े पद्धर से हिलजुल हो चुकी आ। खबर आ रही कि अकाली दल बसपा के उम्मीदवार भी बदले गए ने जिहड़े पंजाब लोग कांग्रेस वालों उम्मीदवार उतारे गए सी उन्हां नूं कांग्रेस की टिकट मिल गई आ जिहड़ी टिकट इस वक्त भाजपा लड़ रही आ उन्हां दा भी बेसिक आधार पिछोकड़ दसदे आ कि कांग्रेस दी दस्या जा रहा। शहीद भगत सिंह दी जिले की राजनीति इस वक्त देख रहे हैं कि किस तरह बड़े पद्धर से उहदे विच हलचल हो चुकी आ। देखदे आने वाले समय के की तस्वीर पेश होंदी आ। जुड़े रहो पंजाबी नैशनल TV दे नाल कैमरामैन JK सिद्धू दे नाल गुरनाम सिंह बिलगा नवांशहर तों।